नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में दो एंड्रॉयड फ़ोन हैं, एक है ओप्पो का और एक है एमआई का। फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी का है, दोनों एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। तो दोनों को मैं यहाँ पे सीआरटी से कनेक्ट करने वाला हूँ और डेटा का ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। अब डेटा में कुछ भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों में पहले आपको सीआरटी इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने दोनों में ही सीआरटी इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही। इसमें भी देख सकते हैं, ये रहा और इसमें भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ओके, तो आपको क्या करना है कि दोनों ही फ़ोन के सीआरटी को ओपन कर देना है। जैसे ही ओपन करोगे, अगर पहली बार इंस्टॉल किया है तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, वरना सीआरटी स्टार्ट हो जाएगा। अगर पहले से ही इंस्टॉल्ड है तो आपको ये वाला स्टेप फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अगर पहली बार किया है तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, इसमें भी कर देना है, अलाउ कर देना है, अलाउ कर देना है, अलाउ कर देना है, अलाउ कर देना है, इसमें भी अलाउ करना है, इसमें भी अलाउ कर देना है। और इसके बाद आप यहाँ से नाम वाम कुछ भी रखना चाहते हो कर लो और एंटर कर जाओ सीआरटी में। ओके, अगर पहले से हो रखा है तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब सवाल ये रहा कि हम इन दोनों को कनेक्ट कैसे करें। अब कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। मैं यहाँ पे जो सिंपल स्टेप बता रहा हूँ, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता कनेक्ट करने का। आपको क्या करना है कि जिस फ़ोन से डेटा भेजना है उसमें आपको सेंड पे क्लिक करना है, और जिस फ़ोन में डेटा रिसीव करना है उसमें आपको रिसीव पे क्लिक करना है। ओके, अब अगर पहली बार आप इस फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हो या पहली बार सीआरटी को कनेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, मॉडिफाई करने का सिस्टम। तो आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन देनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जब भी मॉडिफाई वाला सिस्टम आता है ना, इसका मतलब समझ लेना कि आपसे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है मॉडिफाई करने का, तो आपको दे देना चाहिए ताकि वो ऐप प्रॉपर रन हो सके। इसके बाद आप बैक करोगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप नेक्स्ट कर दो, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब देखिए, अब ये रहा जिससे मुझे फाइल भेजनी है। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा कि किसी एक ऐप को सेलेक्ट कर लूँगा, अगर मुझे ऐप भेजना है तो, और मुझे वीडियो भेजना है तो वीडियो वाले सेक्शन में जाऊँगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर दिख रहे हैं। अगर आपको पूरा फोल्डर भेजना है, जैसे कि रिकॉर्ड का पूरा फोल्डर भेजना है, तो आप इसको चेक मार्क कर दीजिए, यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इस फोल्डर के अंदर से कोई वीडियो भेजनी है, जैसे कि मुझे पावर डायरेक्टर के अंदर से कोई वीडियो भेजनी है, तो मैं इसमें जाऊँगा और इसके बाद एक चेक कर दूँगा, और अगर दूसरी भेजनी है तो दूसरे को भी चेक मार्क कर दूंगा। ओके, इसी तरह से अगर आपको ऐप्स भेजना है तो ऐप्स का तो पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे जाके आप कोई भी ऐप्स यहाँ पे कर सकते हो सेलेक्ट। अगर आपको फोटोज़ भेजना है तो फोटोज़ में जाओ, इसी तरह से स्क्रॉल डाउन करके आप कोई भी फोटो, कितने भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हो। म्यूजिक भेजना है तो म्यूजिक वाले सेक्शन में जाओ और यहाँ से म्यूजिक सेलेक्ट कर लो। अगर कोई फाइल है, ओके, जैसे कि पीडीएफ वगैरह होती हैं, जीप फाइल होती हैं, तो अगर ऐसी फाइल है तो यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इंटरनल स्टोरेज में कोई फाइल आपने छुपा रखी है तो उसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके भेज सकते हो। ओके, अब आप नीचे में देखो, जो भी सेलेक्ट करोगे यहाँ पे सेलेक्टेड आइटम में दिखाएगा आपको, जैसे कि 6 आइटम यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो पहले इसको ओपन करो, चेक कर लेना, जरूरी होता है सेंड करने से पहले। ओके, क्योंकि देखो दोस्तों, मोबाइल में आपकी पर्सनल डेटा भी हो सकती है, गलती से हो सकता है कि वो भी सेलेक्ट हो गया हो, इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि चेक कर लिया कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इतने सारे फाइल मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, यानी कि 6 फाइल है जो कि 110.4 MB का है। अब इसमें से मान के चलो ये वाला नहीं भेजना है मुझे, तो यहाँ से ऐसे कट कर सकता हूँ, ये नहीं भेजना है, ये नहीं भेजना है, ये नहीं भेजना है, ये नहीं भेजना है, मान के चलो मुझे सिर्फ ये भेजना था। ओके, तो ये रहने दूंगा, अगर क्लियर कर दूंगा तो ऑल क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके बाद बाहर कहीं टच कर दूंगा। अब यहाँ पर सेलेक्टेड आइटम 1 है। ओके, अब मैं सेंड पे क्लिक करूंगा। अब सेंड पे क्लिक करने के साथ ही, अगर पहली बार आप सीआरटी को कनेक्ट कर रहे हैं इस डिवाइस के साथ, या पहली बार सीआरटी को कनेक्ट कर रहे हैं किसी और डिवाइस के साथ, या फिर पहले किया है और ब्लूटूथ ऑफ हो गया है, या सिस्टम में कुछ चेंज हो गया है, तो इस तरह के दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, ओपन ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का अहम रोल होता है, ब्लूटूथ को आपको ऑन कर लेना चाहिए। तो ब्लूटूथ यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। आप वैसे अगर पहले से ही ब्लूटूथ ओपन कर देते हैं यहाँ से जाके, तो ये ऑप्शन नहीं आता। इसके बाद दोस्तों ओपन वीलैन होता है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से नहीं होता है, क्योंकि मैनुअली करना पड़ता है। तो मैनुअली तो आप ऐसा करो कि आप सेटिंग में जा करके कर दो, जैसे कि यहाँ पे जाओ, सेटिंग में जाओ, और सेटिंग में जाके वाईफाई पे चले जाओ, ठीक है। या फिर आप क्या करो, इसको स्क्रॉल डाउन करो, और बहुत सारे मोबाइल में नीचे की तरफ से आता है, तो आप जहाँ से आए वहाँ से करो। इसके बाद इस तरह का आइकन दिखता है, तो उसको प्रेस करके रखो, होल्ड करके, इसके बाद वही वाला सेम ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको ऑन करना है। अब ऑन करोगे तो अब यहाँ पे देखिए, जिस मोबाइल में आपने रिसीव पे क्लिक किया था, इसमें एक हॉटस्पॉट जनरेट हुआ है इस नाम से, BTTM के नाम से, और यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिखा रहा है, मतलब पासवर्ड यहाँ पे नहीं मांगा जाएगा मुझसे।
तो यहाँ पे देखिए एक वाईफाई यहाँ पे आ रखा है BT, तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेलेक्ट पे, तो ये देखिए कनेक्ट हो गया बिना पासवर्ड के। अब यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम बैक चले जाएंगे और यहाँ पे टास्क व्यू बटन होता है, इसको मैं करूँगा और इसके बाद शेयर इट पे डायरेक्ट चला जाऊँगा। और शेयर इट पे जाने के बाद नेक्स्ट कर देना है मुझे। नेक्स्ट करूँगा तो जो सेंडर फोन होता है उसमें आइकन आ जाता है। याद रखिए हमेशा सेंडर वाले के पास आइकन आता है, रिसीवर के पास नहीं आता है, क्योंकि इसमें भेज रहा हूँ इससे मैंने सेंड किया है। तो अब इसको डिसाइड करना है कि फाइल किसको भेजना है। तो इसको डिसाइड करना है तो इसने क्या किया कि इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही सेलेक्ट किया यहाँ से फाइल यहाँ पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बार जब मैंने फाइल ट्रांसफ़र कर दिया इस मोबाइल से इस मोबाइल में, तो क्या मुझे अगर इस मोबाइल से कुछ फाइल इसमें ट्रांसफ़र करना है तो मुझे वापस से डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। एक बार जब आप कनेक्ट कर चुके हो, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वो क्या करते हैं कि इससे इसको कनेक्ट कर देते हैं, कोई भी एक छोटा मोटा फाइल भेज के, मतलब अनवांटेड फाइल भेज के, और इसके बाद बोलते हैं कि भैया अब भेजो, कनेक्ट हो गया। मतलब कनेक्ट करने के लिए भी ये तरकीब आप अपना सकते हैं। और जैसे कि सपोज करो कि मुझे इससे कुछ नहीं भेजना था, बस मैंने कनेक्ट करने के लिए ऐसा किया था, मुझे इससे भेजना था, तो यहाँ पे देखो सेंड फाइल पे जाना है आपको। इसके बाद इसमें फाइल में जा करके आपको अगर कुछ सेलेक्ट करना है तो कर सकते हो, वीडियोज़ में जा करके कोई वीडियो सेलेक्ट करना है तो कर सकते हो, ऐप में जाके कर सकते हो, फोटोज़ में जाके कर सकते हो, म्यूजिक में जाके कर सकते हो। तो सपोज करो मुझे कोई वीडियोज़ भेजनी है, जैसे शेयर इट में चला गया और शेयर इट में जो ऊपर की वीडियो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद सेंड पे क्लिक कर दूंगा। तो अब देखो इधर से इधर वीडियो आ गया मेरा। ओके, तो इस तरह से आप दो एंड्रॉयड फ़ोन को कनेक्ट करके डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों बताना कमेंट में कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, जैसे कि एंड्रॉयड iOS को कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र के ऊपर वीडियो बना रखी है, एंड्रॉयड और PC के ऊपर वीडियो बना रखी है, और iOS और PC के ऊपर बना रखी है। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल पर विजिट कीजिए। और हाँ, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।